प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो हम डाल रहे थे जो मानव स्वास्थ्य से संबंधित यूनिट आपकी थी उनके विषय में, लेकिन उससे पहले जो हमने जैव विविधता और संरक्षण वाला पाठ किया था उसके प्रश्न हम नहीं लिखवा पाए थे आपको, और बच्चों की डिमांड आई है, कई बच्चों ने बार बार कमेंट्स किया है कि सर जी उस पाठ के प्रश्न लिखिए, तो आज मैं उस पाठ के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा। तो कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं उन्हें आप फटाफट लिखते चले जाए, मैं बोलता चला जाऊंगा। जो प्रश्न नंबर एक है, पहले एक नंबर वाले एक मार्क्स की क्वेश्चन जो है उन्हें बताएंगे, जो केवल एक नंबर के आते हैं। उनमें आपके भारत के क्वेश्चन नंबर एक है, भारत के राष्ट्रीय पशु तथा पक्षी का नाम लिखिए। अब जहां इस तरह का क्वेश्चन आता है, पशु और पक्षी का नाम लिखना होता है, तो वहां विशेष ध्यान रखना होता है कि लोकल नेम के साथ साथ वैज्ञानिक नाम भी लिखना चाहिए, उसी के नंबर मिलते भी हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, एक नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चौथा, जैव संवेदी क्षेत्र क्या है, जैव संवेदी क्षेत्र क्या है। पांचवा क्वेश्चन, वन्य जीव क्या है, केवल वन्य जीव क्या है ये बताना है, और इसका उत्तर एक लाइन में आप दे सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, IUCN का पूरा नाम बताइए, IUCN कई बार आया है चैप्टर में, बहुत बार हमने इसका जिक्र किया है फुल फॉर्म में, इसका नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक क्या है। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इन्हें तेजी से नोट कर लें अपनी, और फिर उनको बुक में से नोट्स के रूप में तैयार कर लें। हॉटस्पॉट तप्त स्थल क्या है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए, जो भारत में पहला नेशनल पार्क था उसका नाम बताइए। जीवों के अस्तित्व को, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट एक नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरे का एक कारण लिखिए। जीवों का जो अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है उसका एक कारण बताइए, मुख्य कारण की क्या है। नेक्स्ट, दो नंबर के क्वेश्चन, जो दो मार्क्स के क्वेश्चन पर आते हैं, इन्हीं को यदि शब्द विस्तार कर दिया जाए, 20 से 50 वर्ष कर दिए जाए, तो ये तीन नंबर के भी बन जाते हैं। इसमें जैव विविधता, क्वेश्चन नंबर एक, जैव विविधता क्या है, उसके संरक्षण की दो विधियां बताइए, संक्षेप में लिखनी है विधियों के नाम लिख के, उनको संक्षेप में बताना है। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट से क्या तात्पर्य है, भारत के किन्हीं दो हॉटस्पॉटों के नाम लिखिए, केवल नाम लिखने हैं। नेक्स्ट, अभयारण्य क्या है। नेक्स्ट, विलुप्त प्रजातियां क्या हैं, दो विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, जो अलग से तीन नंबर के क्वेश्चन किए हैं हमने, ये भी तीन में हो सकते हैं, थोड़ा विस्तार इनका हो जाए तो, IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए और इनके मुख्यालय कहां हैं ये भी लिखिए। नेक्स्ट, संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी कीजिए, कौन सी जातियां संकटग्रस्त चल रही हैं उन पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए, इसके मुखिया कौन थे, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवन क्या है, इसके विनाश के दो कारण लिखिए, वन्य जीवन क्या है, इसके विनाश के दो कारणों को संक्षेप में लिखिए, तीन नंबर का है। नेक्स्ट, तप्त स्थल पर टिप्पणी कीजिए, इन्हें क्यों तप्त स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में स्थित चार राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, उत्तरी भारत, कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें जो पाए जाते हैं उनमें से चार के नाम आपको देने। जो तीन नंबर में और भी कुछ क्वेश्चन स्पेशल हैं,
जिनमें जैव विविधता की परिभाषा लिखकर इसके संरक्षण के दो उपाय बताइए। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस विषय में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। इसमें आम आदमी क्या योगदान दे सकता है, इसके बारे में भी लिखिए। ये पांच नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। बायोस्फीयर्स पर टिप्पणी कीजिए। स्वस्थानी तथा बासस्थानी संरक्षण को समझाइए। दोनों पर टिप्पणी है, डेढ़ डेढ़ नंबर की भी आ सकती है, ढाई ढाई नंबर की भी आ सकती है, तीन नंबर का क्वेश्चन भी है और पांच का भी हो सकता है। स्वस्थानी एवं बाह्यस्थानी संरक्षण को समझाकर उनके लाभ भी बताइए। ये क्वेश्चन और विस्तार से हो सकता है, वही क्वेश्चन है, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, बाघ एवं घड़ियाल परियोजना के बारे में संक्षेप में समझाइए और ये किस वर्ष लागू की गई थी, हमारे देश में किस वर्ष लागू की गई थी बाघ और घड़ियाल परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो केवल पांच ही नंबर में पूछे जाते हैं, वो है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से लिखिए, यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या नेशनल लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं, इनके बारे में लिखना। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पांच नंबर का बनता है, भारत में संकटग्रस्त जातियों वन्य जीव संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को विस्तार से लिखिए, यानी जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको बचाने के लिए और जो वन्य जीव संरक्षण है उसको किस तरह से संरक्षित किया जाए, उसके लिए जो प्रयास नेशनल स्तर पर हमारे राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं उनके बारे में लिखिए। तो ये पूरा चैप्टर के क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी यूनिट है, आप इन्हें तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेंगे। धन्यवाद।